हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटी सेटलिंग टैंक। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल ऑपरेशन का लेक्चर, जिसमें हम लोग सॉलिड सेपरेशन इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे। ग्रेविटी सेटलिंग टैंक आज का हमारा टॉपिक है। ग्रेविटी सेटलिंग टैंक के डिफिनीशन की बात करें तो ये क्लासीफायर का एक टाइप होता है, जिसमें बड़ा सा टैंक होता है और इसमें एक सूटेबल इनलेट और आउटलेट रहता है। इस टैंक की मदद से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। किसको सेपरेट कर सकते हैं? तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को। कहने का मतलब है कि ग्रेविटी सेटलिंग टैंक एक प्रकार का क्लासिफायर है, जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट साइज के सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक होता है और इस टैंक में यहाँ से एक इनलेट रहता है और एक आउटलेट रहता है, ठीक है। और नीचे जो है आपका स्टोरेज टैंक लगा हुआ रहता है, जो इस प्रकार वेफर से डिवाइडेड रहता है। अब इसके हम लोग यदि वर्किंग की बात करें तो इसका वर्किंग बहुत ही आसान है। करना क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग फ्लूड लेते हैं और उस फ्लूड में आपका याद रहे सॉलिड पार्टिकल्स भी मिला हुआ रहता है, ठीक है। उस फ्लूड को हम लोग जो है यहाँ से एकदम फॉलो करवाते हैं हाई वेलोसिटी से। अब देखिए, जैसे जैसे ये फ्लूड आगे बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी कम होते जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है, यहाँ पे मान लीजिए फ्लूड का वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, तो जैसे ये फ्लूड यहाँ पे आएगा तो उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, अर्थात लीनियर वेलोसिटी कम हो जाएगा जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस फ्लूड में सॉलिड पार्टिकल्स भी है, सॉलिड का डेंसिटी एज कम्पेयर टू फ्लूड ज़्यादा होता है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो सॉलिड जितना बड़ा रहेगा वो सबसे पहले सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। जिस सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा अर्थात साइज में बड़ा है, कोरस पार्टिकल्स है, वो पहला टैंक में गिर जाएगा। जो लाइट है वो बी में चला जाएगा, ठीक है। जो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स है वो सी में चला जाएगा, और जो पूरा फाइन है वो मे बी इसमें गिरेगा ही नहीं, पूरा बाहर फ्लूड के साथ निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ग्रेविटी सेटलिंग टैंक के द्वारा सेपरेशन कर सकते हैं। वर्किंग एक बार आप लोग देख लीजिए, सेमेस्टर एग्जाम में काम आएगा। अ सैलरी फीड इंटर्स द टैंक थ्रू एन इनलेट कनेक्शन। एज सून एज द सैलरी फीड इंटर्स द टैंक इट्स लीनियर वेलोसिटी डिक्रीजेज एज ए रिजल्ट ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। वही है मैं जो आपको अभी समझाया था। सॉलिड पार्टिकल्स स्टार्ट टू सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सॉलिड पार्टिकल्स जो आपका वो ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। द फास्टर सेटलिंग पार्टिकल्स कोरस पार्टिकल्स विल बी कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक नियर द इनलेट। जहाँ से हम लोगों ने फीड को इन किया है वहीं पे आपका कोरस पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाएगा। कोरस पार्टिकल पहले सेटल डाउन होगा क्योंकि कोरस पार्टिकल्स साइज में बड़ा होता है। वाइल द स्लोअर सेटलिंग पार्टिकल्स या अर्थात स्मॉल पार्टिकल्स विल बी कैरिड फर्दर इन टू द टैंक बिफोर दे रीच द बॉटम ऑफ द टैंक दे वेरी फाइन पार्टिकल्स आर कैरिड अवे इन द लिक्विड ओवरफ्लो फ्रॉम द टैंक। जो जितना भी फाइन पार्टिकल्स है वो ना गिर के वो ओवरफ्लो के द्वारा आपका आउट में निकल जाएगा, और फाइन पार्टिकल्स के अलावा जो आपका स्मॉल पार्टिकल्स बचा है वो सारा सेपरेट हो जाएगा। ये था हम लोग का ग्रेविटी सेटलिंग टैंक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन क्लासीफायर। थैंक यू।